सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आंखों ही आंखों में काफी इशारेबाजी हो रही थी ऊपर, क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पकड़ी है? एक्चुअली मैं सूर्य नमस्कार करने आती हूँ, मैं जल चढ़ाती हूँ सूर्य देव को। सूर्य नमस्कार? सूर्य देव को मैं जल चढ़ाती हूँ, सूर्य को नमस्कार करने आती हूँ मैं तो। उफ़, काश ये करती सूर्य नमस्कार। अच्छा, ऑर्डर ऑर्डर, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैं सूर्य देव को जल चढ़ाने आती हूँ अब, क्योंकि ये मेरे पति हैं और मैं इनसे जो भी है प्यार तो करती ही हूँ, भले अभी वो नफरत में चेंज हो रहा है, क्योंकि इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे भाई को मार दिया है, इन्होंने मेरे भाई को मारा है, तो इस वजह से सर मत हिलाओ, तो इस वजह से इनके लिए वो नफरत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्यार अभी भी है। तो मैं वहाँ पे जल चढ़ाते वक्त ये अपना कर रहे हैं और इनका डंबल वो गिर जाता है इनके पैर में, तो मैं इनकी तरफ देख के भागती हूँ क्योंकि ये चिल्लाते हैं और इनके पैर में एक्चुअली चोट लग जाती है, तो फिर मैं इनके पैर में पट्टी बांधती हूँ और पट्टी बांध के उठ के गुस्से में चली जाती हूँ क्योंकि ये मुझे प्यार से घूर रहे होते हैं। तो विशाल कहीं ना कहीं मान लें कि प्यार की जो शुरुआत है वो होने लगी है। मैं तो सिंपली बोल रहा हूँ कि मैं ताड़ रहा था अपनी वाइफ को, ऑब्वियसली। हाँ, मैं बहुत ही अच्छी खुशबूदार अपनी खिचड़ी बना रहा था। प्यार की शुरुआत मान ले, मतलब प्यार तो है ही हमारे बीच में, बस अभी थोड़ी सी तकरार चल रही है, तो प्यार का मज़ा और आने लगता है जब तकरार होती है। तो वैसे आप जिम कर रहे हैं, काफ़ी बॉडी बॉडी बना रहे हैं यहाँ पर, और आप साथ ही साथ थोड़ा सा टशन वाला लुक भी दे रहे थे पूनम को, तो पूनम मैं आपको यहाँ पर चांस देती हूँ, हम यहाँ पर एक छोटा सा थंब फाइट करके देखते हैं, अगर आप इन्हें हरा सके तो। वैसे तो ये बहुत थंब फाइट। अच्छा, मैं कितनी बार से जीतूं प्लीज पहले बता दो। अच्छा, लो बीवी के लिए तो तीन राउंड होगा। ओके 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 ओके। कौन जीत गया? खुद से यार, एक अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या लगा? कुछ भी नहीं। When? तो लाखन, फाइनली आप यहाँ पर जीत गए हैं। अरे नहीं, बीवी को जिताओ यार, बीवी है मेरी। जिताओ क्या, हरा दिया। अच्छा ना? लो यार, जिता दे, चलो। जीत वाली एक स्पीच तो बनती है। एक्चुअली मैं, ये मेरे बॉडी, यू कैन सी इसका कमाल, यू कैन सी जो बॉडी दिख ही नहीं रही है वो आप प्लीज है, ज़ूम कर सकते हो। दिखती है, हां यार दिखती तो है। तो कुछ नहीं, बस मेहनत और लगन के साथ अगर आप करें, जज्बा होना चाहिए। 12-15 घंटे ऐसे ही किसी को एक्टर के साथ टाइम वेस्ट करें, अपना बकरा वगैरह करते रहें, तो जीत जाते हैं यार थंब फाइट ऐसे। नहीं था ना? विशाल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज आपको यहाँ पर वर्कआउट करने का मौका मिला, ऑन स्क्रीन मिला, यूजुअली हम देखते हैं कि एक्टर्स को जो होता है वो जिम जाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज, मैं शूटिंग के दौरान ही वर्कआउट कर पाता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम, मुझे वैसे जिम जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं, मैं वैसे कोई वर्कआउट करता नहीं कि मुझे जिम जाने की ज़रूरत पड़ी, तो मैं फ्री हैंड वर्कआउट करता हूँ और शूटिंग के ड्यूरिंग में ही कर लेता हूँ मैं, टाइम मिल जाता है मुझे, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि हाफ एन आवर 45 मिनट्स करना पड़ता है मुझे तो। आई एम अ डांसर, सो मेरा वर्कआउट भी, मुझे भी जिम जाने का टाइम मिलता नहीं है, तो मैं भी अपने रूम में, मेकअप रूम में जब भी टाइम मिलता है आई डांस। और हम एक्टर यार दिन भर काम करते रहते हैं यार, दिन भर खड़े रहते हैं यार, तो हमारा कार्डियो तो वैसे ही रहता है, मेटाबॉलिज्म तो हाई वैसे ही रहता है, भागने की सीन हमारा कार्डियो हो जाता है। और कुछ ना, तो लोग बकर बकर करते रहते हैं। हाँ, जैसे कि लाखन। ओके, जाते जाते अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? आई लव यू। आई लव यू टू। अरे लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा था यार ये तो। थैंक यू, ख्याल रखिए।